इस अंतरिम बजट में आपने देखे होंगे कि लोभ लुभावने वाली कोई बात नहीं थी। हमारा मकसद केवल ये है, और ये बजट दर्शाता है कि हमने आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाना है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर, गरीब आदमी को भी ऊपर उठाना, यानी एक ऐसा बजट दिया है जिससे झलक पाती है और एक स्थायी तव। ये नहीं कि टेम्परेरी हमने चुनाव लड़ना है, चुनाव का वोट को ध्यान में ना रख के देश हित का ये बजट है, मैं तो ये मानता हूँ। सर बीजेपी की कितनी तैयारी लगती है लोकसभा चुनाव के लिए, खासतौर से हरियाणा की अगर बात करें तो? मेरे अंदाजों में 10 की 10 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार हमारा 10 की 10 सीटों पर मार्जिन बढ़ेगा। और जो कल कार्यक्रम जो बने, रूपरेखा बनी कार्यक्रम की, सूरजकुंड में एक बड़ी बैठक थी, तमाम सांसद मौजूद रहे, आप भी वहाँ मौजूद थे। आगे की क्या रणनीति बनी है? भाई यही है कि भाई अब क्योंकि चुनावी मोड में देश है और लगता ऐसा है कि 1 महीने के आसपास ही आचार संहिता लग जाएगी, तो इसलिए क्यों न पार्टी अपने स्तर पर तैयारी करे ताकि चुनाव लड़ने वाले को ज़्यादा दिक्कतें ना आए। पार्टी ही क्योंकि चुनाव लड़ती है और पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, दोनों को एक समान रूप लेके कि हमने अभी से ये खासकर ये दो महीने हैं, इनमें हमने चुनाव मोड में आए। 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के ही सांसद रहे हैं पिछली बार, इस बार क्या 10 की 10 कमल का फूल होगा या गठबंधन के आसार हैं? देखो ये लेकर आपकी अपनी खुद की भी क्या सजेशन है? देखो ये फैसला तो पार्टी हाईकमान ने करना है, परंतु हमारी सोच ये है कि हम 10 की 10 सीट पिछले से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जेजेपी भिवानी और हिसार सीट पर नजर रखे हुए है, अगर ऐसा होता है तो कितना फर्क पड़ेगा इसे वोट परसेंटेज में बीजेपी के और जेजेपी के समीकरण को लेकर बात करें, अगर वो भिवानी और हिसार की तरफ नजर रखे तो? हिसार और भिवानी से पहले भी इस परिवार के सांसद रहे हैं, अजय भी रहा है, दुष्यंत भी रहा है हिसार से, अजय रहा है भिवानी से। मैं मानता हूँ आज का आदमी बहुत समझदार है, कोई फर्क पड़ने वाला बड़ा नहीं है, लेकिन ये फैसला तो हाईकमांड का है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम 10 की 10 सीट जीतते हैं। ज्यादा मजबूत किस पे रहेगी, भिवानी जेजेपी पर या बीजेपी पर? अरे यार ये कोई सवाल थोड़ा ही, जब बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, सारे देश में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे तो ये तो कहने की बात ही नहीं है। सर ऐसी कोई चर्चा है कि आपकी बैठकों में, आपकी मीटिंगों में, तैयारियों में कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करा लिया जाए? नहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं, तो मान के चला जाए कि अभी तक की तैयारी? अभी तक तो लोकसभा की ही तैयारी है। ठीक है, और जो गांव चलो अभियान है सर, उसका क्या रूपरेखा है, कैसे करना है, क्या है वो? अब गांव चलो का मतलब यही है कि हमने पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, और हमने जितने भी ये काम किए हैं उनमें हमने लोगों के बीच में रहना है। अब हमने शहरों में रहने की बजाय, दिल्ली में रहने की बजाय, हम अपने गाँव की तरफ चले। प्रवास में कुछ और नेताओं की ड्यूटी भी लगेगी? सभी की, यानी कम से कम एक रात तो प्रवास हर आदमी करेगा गांव में। आप कब कर रहे हैं? मैं तो लगभग एक आध दिन छोड़ के सारी प्रवास पर ही रहता हूँ।